नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। अरे लुट गई बीच बाजार में ये सोने जैसी काया, सब जानते हैं, जानते हुए फिर भी फंसे हुए, जानते हुए और फिर भी फंसे हुए, इस बीच अंधकार में ये सोने जैसी काया।
सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन जय सिया राम, हरि पावन सीता राम, हरि पावन सीता राम, हरि पावन सीता राम, जय रघुनंदन संत महाराज की जय, अवध बिहारी लाल की जय, जय जय श्री सीता राम। तो लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध चल रहा है, जहां मेघनाथ छिपे वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो लक्ष्मण को लगा के यही थे, कहीं नहीं गए, जबकि जितनी देर छिपे उतनी देर में वो लंका में घूमे आया था। लक्ष्मण को लगा कि मैंने इसको बहुत खिला लिया, शायद ये भी रहा होगा लक्ष्मण को, कहीं दोबारा वीर सांगी ना छोड़ दे, ये भी रहा होगा। फिर बहुत हो गया, तीसरा ये भी रहा होगा कि लक्ष्मण को पहले वाला युद्ध का जोश आया होगा, उस दिन तूने मुझे शक्ति दी, आज मैं जरा सबका बदला ले लूंगा। कई कारणों से लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तुझे बहुत खिला लिया। लक्ष्मण ने आशी माने मंत्र दृढ़ाला, यही पापी में बहुत ही खिला, लक्ष्मण मंत्र दृढ़ाला, यही पापी में बहुत ही खिला, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा, इसको मैंने बहुत खिला लिया। लक्ष्मण ने निर्णय कर लिया, बस अब इसका खेल खत्म कर देना, यही पापी में बहुत ही खिला, यही पापी में बहुत ही खिला। लक्ष्मण जी आज सरासन शस्त्र धनुष पर संधान करते हैं और सभी शक्तियों का सुमरण करते हैं, प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाते हैं, मानो ये कहना चाहते हैं कि बस यही शस्त्र मेघनाथ तेरा आखिरी सांस का वो है, तेरा बस इसके लगते तू जीवित है, वरना तेरे को मरना है। ऐसे कुछ सभी को स्मरण करते हुए लक्ष्मण जी आज सरधान करते हैं एक तीर, एक शस्त्र, एक दिव्य शस्त्र जिसकी काट मेघनाथ के पास नहीं थी। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं लक्ष्मण जी शिव की और राम की सौगत खा क्या है, राम की तो ऐसे खाई कि राम तो भाई, शिव की ऐसे कहा अगर शिव भी सहायता करे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शायद शिव को लगा होगा, विष्णु को लगा होगा कि मेघनाथ के पास शस्त्र तो सब हैं, हमारे तो हैं, लेकिन आज हम मेघनाथ की सहायता करेंगे तो लक्ष्मण के प्रण का क्या होगा, लक्ष्मण ने तो हम पे भरोसा करके प्रण किया है, इसलिए शायद कोई भी शस्त्र मेघनाथ का लक्ष्मण का शस्त्र नहीं काट पाएगा। और सबका एक ही जवाब है, जब अंत आता तो कुछ भी काम नहीं होता।
कोई भी विद्या काम नहीं आती, कोई शस्त्र काम नहीं आता, कोई बल काम नहीं आता, जिसके मृत्यु निकट आ जाती है। तो अब क्या हुआ, अब वो बाण लक्ष्मण जी ने मारा और उसी दिव्य शस्त्र से, दिव्यास्त्र से या दिव्य शस्त्र से लक्ष्मण जी आज मेघनाथ को अंतिम क्षण में को छोड़ा है। क्या लिखा है तुलसी ने मानस में सुनिएगा, छोड़ा बाणी माझी उर लागा मरती बारे कपट सब त्यागा, छोड़ा बाणी माझी उर लागा मरती बारे कपट सब त्यागा, छोड़ा बाण माझी उर लागा, उर माने हृदय, मांझ माने अगला, आग जो लड़ रहा उसके हृदय में लागा और लगते ही गिरा, बरती बारे कपट सब त्यागा, बरती बारे कपट सब त्यागा, छोड़ा पानी मांझ उर लागा बरती बारे कपट सब त्यागा, छोड़ा बाणे माझे उर लागा मरती बारे कपट सब त्यागा। लक्ष्मण के शस्त्रों से मेघनाथ के कितने हिस्से हुए पहले तो ये सुनिए, सिर गया राम के पास, भुजा गई आपके खुद के महल सलोचना के आंगन में, और रह गया जो शरीर उसको लंका के द्वार पर रखवाया जाएगा। अब एक बात सुनिए, एक बात ये सुनिए कि मर्दी बार कपट सब त्यागा, ये जो मरते समय हमारा मनोविज्ञान कहता है जिसका भी प्राण निकलता है उसको उस समय कुछ देर के लिए ज्ञान हो जाता है, होता है थोड़ी देर के लिए, वो पहले से हो गया होता काफी देर के लिए तो कल्याण हो ही जाता। कहते हैं मरते समय कोई भी हो उसको उस समय थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, पर वो समय होता है कम तो वो ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता, उस समय कपट उस समय छल। आपने बहुतों को देखा होगा अंतिम समय में जाते समय बहुत ऐसे कहते, भैया मेरी बात पर ध्यान मत देना, आज तक मैंने बहुत तुम्हें बुरा भला कहा, उसे उस समय क्यों आ रहा है ये सब बातें, पहले क्यों नहीं आई। एक पहले उसका खुद का जोश होता है, मरते समय जोश उतर जाता है। प्रभु का मानो एक ये भी एक विधान होता है कि जीव मेरी शरण में आ रहा है तो कम से कम इसको शुद्ध कर दूं थोड़ी देर के लिए, कोई भी कारण रहा होगा, पर मनोविज्ञान ये बात कहता है उसको कुछ देर के लिए कुछ अच्छी बातें उसके मुंह से निकलती है, पापी के भी निकलती है। ये मेघनाथ कौन है, पापी है लेकिन मरती पार कपट सब त्यागा, सब कपट छोड़ दिया, सब माया के तंत्र जंजाल छोड़ दिए। अब सब छोड़ देना तो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, भावना अच्छी हुई कि ना हुई, और फिर ऐसे ही नहीं साहब, मरते समय राम राम का सुमरण किया है, जो जीवन पर्यंत राम नहीं लेता राम से लड़ने को तैयार था आज उसके मुख से राम नाम निकला है, मरते समय राम नाम सबने लिया है, हमसे तो वो राक्षस अच्छे, समझ गए कि समझाए, जिन्होंने मरते समय राम नाम लिया और हमारे मरते समय परिवार की पुकार निकलती है। तो सिर कहां गया, राम के पास, भुजा आंगन में सुलोचना के पास, और जो बचा सिर उठाया हनुमान जी ने, बाबा लिखते मानस में सुनिए, बिन प्रियासी हनुमंती उठावा
लंका द्वारे राख दे आवा प्रिया से हनुमान उठाया लंका द्वारे राख दे आवा। तीन भाग में मेघनाथ के शरीर को बांटा गया है, लक्ष्मण के शस्त्रों ने बांटा है, सिर काट के राम के पास, भुजा सुलोचना के पास, जो बच गया उसको हनुमान जी उठा के रखे हैं लंका के द्वार। बिन प्रयास हनुमंत उठावा लंका द्वार राखते ही आवा। अब क्या हुआ, रावण दल में कोलाहल मच गया, त्राहमान मच गई कि मेघनाथ को छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बहुत भयंकर विशाल बलशाली होता है। जब पता चला है लंका में कि मेघनाथ भी मारे गए, आए हाय विलाप करती हैं मेघनाथ की मां मंदोदरी। मंदोदरी रोदन कर भारी ओरे ताड़ती बहु बात पुकार। मंदोदरी रुदन कर भारी तारती बहु पारी पारी। उर तारत पुकारती हुई, विलाप करती हुई, क्रंदन करती हुई, बहु बहुत पुकारी, बहुत जोर से पुकारी। आज पुत्र का मरण सुन के बहुत हुई। अच्छा, जब मेघनाथ ने जब वो शरीर छोड़ा, शरीर गिरा, उस समय जब राम राम स्मरण किया तो कहते लक्ष्मण ने मेघनाथ को धन्यवाद कहा था, धन्यवाद, धन्य है वीर, धन्य है तुम्हारे लिए। और साहब, वीर कोई भी दल का हो, अगर उसमें वीरता है तो उसकी वीरता का धन्यवाद होना ही चाहिए। राम ने भी कहा है धन्य तुम्हारी माँ जो तुमने मरते समय मेरा नाम लिया है, इसलिए तो आज मंदोदरी विलाप कर रही है। और पुत्र मरे साहब, ये पीड़ा तो मां से ही पूछो, और तो कौन क्या बताएगा कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है। पुत्र मरे सो मां से पूछो, या फिर जिस पुत्र को मां पाले बड़े 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 उमंग से बड़ी आशा से।